दोस्तों, आज मेरा वीडियो इस पर्पज़ के लिए है कि बिहार इंटरमीडिएट के लिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप www.ofssbihar.in को लॉगिन कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, लॉगिन करने के बाद ऐसा होम पेज खुल के आएगा। इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका यहाँ पे आएगा इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु आवेदन करने वाले और स्नातक में आपको इंटरमीडिएट का करना है। इस पर क्लिक करें। एक पेज खुल के आएगा, उसमें आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड और एक इंटर कैप्चा कोड, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर जो होता है वो आपका ये होता है यूजर आईडी और पासवर्ड, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है ये कैप्चा कोड में, जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है कैप्चा कोड 975825, ये मेरा कैप्चा कोड है। आप जितनी बार लॉगिन करेंगे इतने बार ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैप्चा कोड आता है। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने जितने सारे फर्स्ट टाइम पे कट ऑफ मेरिट के टाइम पे जो फर्स्ट टाइम में आपने फॉर्म भरा था उसमें 5 कॉलेज को सिलेक्ट करना था। अभी इसमें आप मैक्सिमम मिनिमम 5 मैक्सिमम 20 कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया। यहाँ पे मैंने कल ही इसमें ये पूरा 20 कॉलेज, इसमें पहले मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था तो मैंने दोबारा इसमें दोबारा डाला है नाम, 20 कॉलेज सेलेक्ट किया है। आप इसमें आप कट ऑफ लिस्ट भी देख सकते हैं। आप इसके लिए कट ऑफ लिस्ट देखने के लिए आप यहाँ पे जाके होम पेज पे जाएं और आप कट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है वो आप पहले देख लें, उस हिसाब से आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया हो वो आपके कट ऑफ लिस्ट से काफ़ी हाई हो, आपका जो मैथ्स परसेंटेज है उससे हाई हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु प्रथम कट ऑफ सूची, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मेरा जैसे मैं वेस्ट चंपारण का देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे शो किया ऑल करके। यहाँ पे जितना भी कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट है जनरल के लिए कितना है, ये एमजेके कॉलेज बेतिया वेस्ट चंपारण, इसका 75% कट ऑफ लिस्ट है और आर्ट्स के लिए 67%, RLSY का 61% आर्ट्स के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर सपोज आपका 61% से अबव है तो आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद जो यहाँ पे आ रहा है ग्रीवेंसेज, इस पर क्लिक करें। नहीं, ये ऑप्शन है, ऑप्शन एंड प्रिफ्रेंसेस, मैंने यहाँ पे ये गलत क्लिक किया हुआ है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन एंड, इसमें आप कुछ एरर आता है या कुछ आपको क्वेरी है इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन में जाना है। आप इसमें अपना ये भी प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हैं कि किस कॉलेज को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, किस कॉलेज को सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जैसे सपोज मैंने ये मतीसरा डाला हुआ है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, तो मैं यहाँ से इसको चेंज करके फर्स्ट डाल सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जाएं, यहाँ पे देखिए अपडेट ऑप्शन प्रेफरेंसेस, यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए कौन सा आपका ये है वेस्ट चंपारण। सपोज मेरे को अभी मुझे कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, सपोज आपने 5 दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी 20 डाला हुआ है, लेकिन मेरे को सपोज आपने अभी 5 ही डाला हुआ है, आप और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और इधर से आपका जो है कौन सा स्ट्रीम है उस, अभी यहाँ पे कॉलेज आ गया, सपोज मैं कोई दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल या गवर्नमेंट जनता हाई स्कूल।